उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के बैरी के खंड संख्या 10/33 में अवैध खनन करके नदी का सीना चीर कर निकाली जा रही मोरंग। न्यू प्रवीरा इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड के परवेज और फैसल का है बड़ा सिंडिकेट। हैवी पोकलाइन लगाकर चीरा जा रहा नदी का सीना, ग्राम समाज के क्षेत्रों को भी नहीं छोड़ रहे खनन माफिया। मोरंग खदानों में एनजीटी के आदेशों का खुला उल्लंघन हो रहा है। यहाँ प्रतिबंधित भारी मशीनों से बेतवा नदी में मानक से कई गुना अधिक गहराई में मोरंग का खनन किया जा रहा है। अधिक गहराई में खुदाई से नदी की जलधारा भी अब टूटने लगी। इतना ही नहीं, मोरंग खदानों से निर्धारित क्षमता से कई गुना मोरंग ट्रकों और डंपरों में लोड की जा रही, इससे सड़कें भी उखड़ने लगी हैं। मोरंग के अवैध खनन और परिवहन के खेल में माफियाओं के गुर्गे भी शामिल हैं, जो खदानों से मोरंग के ओवरलोड ट्रक डंपरों को पड़ोसी जिलों तक पास कराते हैं। पोकलाइन मशीनें मोरंग खनन में नदी को ही छलनी करने में जुटी हैं। बताते चलें, बेरी के खंड संख्या 10/33 में अवैध खनन करके नदी का सीना चीरकर न्यू प्रवीरा इंफ्रा हाइट प्राइवेट लिमिटेड के परवेज और फैसल अवैध मोरंग का बड़ा खेल कर रहे हैं। परवेज और फैसल सहित कन्हैया गुप्ता का भी बड़ा सिंडिकेट अवैध मोरंग खनन का काम कर रहा है, जिसमें ये हैवी पोकलैंड जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, जिसका इस्तेमाल करके नदी का सीना चीरकर अवैध मोरंग का खेल कर रहे हैं। खनन माफिया ग्राम समाज की जमीनों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। खदान जाने वाले रास्ते में बाहर से आने वाले अधिकारियों पर नजर रखने के लिए मोरंग कारोबारियों के गुर्गे मुस्तैद रहते हैं। जैसे ही कोई टीम खदान की जांच करने जाती है तो उससे पहले ही उनकी लोकेशन खदान पट्टा धारक को मिल जाती है। बताते हैं कि जब तक अधिकारियों की कोई टीम खदान तक पहुंचती है, उससे पहले ही प्रतिबंधित मशीनों को इधर उधर छिपा दिया जाता है। अवैध खनन के इस खेल में सरकार को भी बड़ा झटका लग रहा है।